ना मैं खुशी खरीद पाता हूँ, ना ही मैं गम बेच पाता हूँ। ना मैं खुशी खरीद पाता हूँ, ना मैं गम बेच पाता हूँ। पता नहीं क्यों फिर मैं सुबह सुबह कमाने निकल जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलक्षेंद्र मोगरे है। आज के खुला आकाश के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जीवन की आपाधापी में हम इस कदर व्यस्त हो चुके हैं कि हम खुशियों के महत्व को और खुशी किस तरह से हासिल की जाए ये हम भूल चुके हैं। हर इंसान अपने जीवन में एक ही चीज़ चाहता है, वो है सुख। मगर आज के वर्तमान युग में सुख प्राप्ति का एकमात्र जरिया हो चुका है पैसा। क्या पैसा कमाने से हम सभी सुखी हैं, या फिर हमारे ज़िंदगी के और भी पहलू हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉबीज़ यानी कि अभिरुचियों पे। हॉबीज़ हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये किस तरह से हमारी सफलता में हमारा साथ देती है, और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, तनाव में आज हमारी हॉबीज़ किस तरह से हमें मदद करती है, हमें कठिनाइयों से बाहर आने में किस तरह से मदद करती है, ये आज हम आज के एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों, एक गृहिणी होते हुए भी उप पुलिस अधीक्षक अनामिका जैन मैम किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखती हैं, किस तरह से अपनी रुचियों पे काम कर पाती हैं, अपनी हॉबीज़ पे काम कर पाती हैं, चलिए आइए हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बास्केटबॉल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हूँ और मुझे 28 गोल्ड मेडल बास्केटबॉल में प्राप्त हैं। और छत्तीसगढ़ के जो बड़े पुरस्कार हैं, राजीव गांधी और शहीद कौशल यादव, ये दोनों ही पुरस्कार जूनियर ग्रुप में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को और सीनियर ग्रुप में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। दोस्तों, जब भी हम हॉबीज़ की बात करते हैं तो लोगों को स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ ही सूझती है, मगर क्या आप जानते हैं कि किताबों को पढ़ना भी एक हॉबी है? और किताबों को पढ़ते हुए कहा जाता है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, तो किताबों को पढ़ते हुए हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से परिवर्तन आता है या किस तरह से हमारी उपलब्धियां आगे बढ़ती है, आइए जानते हैं अनामिका मैम से। स्पोर्ट्स और बुक, मैंने जैसे बताया, किताबें जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, नॉलेज हमारा हम काफ़ी ऑप्ट करते हैं। नॉलेज के साथ में आपको एक मेंटल पीस फील होती है। और आज के समय में इतना टेंशन है, और उस समय भी रेलवे की नौकरी जब मैं करती थी तो मुझे जॉब भी करना होता था, स्पोर्ट्स में भी करना होता था, तो उस समय मैं थकान बहुत महसूस करती थी। तो मैंने ये बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और निश्चित रूप से उससे मेरा मेंटल लेवल काफ़ी इम्प्रूव हुआ और मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो दोस्तों, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आज ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में एक नया मुकाम, एक नई चोटियों को, एक नई बुलंदियों को हासिल किया। साथ ही साथ वो आज अधिकारी के रूप में समाज की भी सेवा कर रही हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि अनामिका मैम किस तरह से अपनी हॉबीज़ को, अपने स्पोर्ट्स को, अपनी गृहस्थी को और अपने दायित्व को संभाल पाती हैं, और जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो होता है समय, उसको किस तरह से वो मैनेज कर पाती हैं। सर, निश्चित रूप से एक तो पुलिस विभाग में इतनी अनिश्चितताएं होती हैं कि हम बैठे हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि किस समय हमें ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। साथ ही मेरे पास में मेरे दो छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका भी ध्यान रखना होता है, और ड्यूटी तो मैं तब कर पाऊँगी जब मैं खुद फिट रहूँगी। तो इन सबसे पहले मुझे अपने आप पे फोकस करना होता है, तो समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि हम अपनी हॉबीज़ पे काम करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हमारा मेंटल लेवल हमेशा अच्छा होता है, और जब भी आपका मेंटल लेवल अच्छा होगा आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं। सबसे पहले इसीलिए हमेशा व्यक्ति को खुद के बारे में पहले सोचना चाहिए। और कई बार ये भी होता है कि 10-10 दिन तक हम अपनी किसी भी हॉबी पे वर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगले 10 दिन के बाद जब 11वें दिन मुझे अपने आप को एनर्जी से चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी जीवन में खुशियाँ रहे। आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपकी हॉबीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम सर से जानना चाहेंगे कि पहले और आज के समय में हॉबीज़ का क्या महत्व था, और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी हॉबीज़ को किस तरह से फॉलो करना चाहिए। अगर हम बात करेंगे बहुत पुराने समय की, जैसे अभी मेरी सर्विस हो गई, 28 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है,
इससे पहले मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा, पहले का समय ऐसा रहता था कि हमारे पास में भरपूर समय रहता था, स्कूल का टाइम था, कॉलेज का टाइम था, स्कूल कॉलेज का टाइम पूरा करने के बाद में हमारे पास में इतना समय रहता था कि हम अपने जो भी हमारे शौक़ हैं उसको हम पूर्ति कर सकते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो समय बहुत बदल चुका है, और सच तो ये है कि पहले की जो दिनचर्या थी वो पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। आज के तारतम्य में हम देखेंगे तो बहुत सारे कार्य ऐसे हो जाते हैं जिनके लिए हमको निश्चित रूप से थोड़ा ना थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। बहुत सारे तौर तरीके हैं, जैसे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि समय के साथ में लोग बाग अपने कहने चाहिए खूबियों को या शौकों को पूरा करते हैं। पहले का एक समय था जब हम खेल मैदान में अपना समय पूरा शौक़ पूरा कर लेते थे, अब उसकी जगह जो है मोबाइल ने ले ली है या टीवी ने ले लिया है, कंप्यूटर्स ने ले लिए हैं, उसमें लोग बाग अपने शौक़ की पूर्ति करते हैं। शौक़ की बात करें तो शौक़ हम लोगों को ऐसे शौक़ रहना रखना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई एक अपने कार्य के अतिरिक्त कोई ऐसा अतिरिक्त कार्य करना चाहिए जिसमें वास्तव में उनको खुशी मिलती है और उनका समय भी अच्छे से पास होता है, उनका दिमाग भी अच्छे तरह से तरोताजा हो जाए। तो दोस्तों, हम एक स्कूल में आ चुके हैं जहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह से हॉबीज़ का ओरिजिन हमारे छात्र जीवन में होता है, एक बच्चे के दिलो दिमाग में किस तरह से क्रिएटिविटी के रूप में एक हॉबी जन्म लेती है, और देर सवेर जब वो अपने करियर में समाज को कुछ देने लायक हो जाता है, जब इस लायक बन जाता है कि वो अपने परिवार का लालन पोषण कर सके, तो वो किस तरह से अपने जीवन में करियर में आगे बढ़ता है, और हमारे करियर में या हमारी सक्सेस में हमारी हॉबीज़ का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, ये आज हम जानेंगे। जब भी हम हॉबीज़ की बात करते हैं, रचनात्मकता की बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? इसकी शुरुआत होती है हमारे स्कूल के दिनों से, हमारे स्कूल लाइफ से। तो दोस्तों, आज हमारे शो में हम मिलने आए हैं इरावत भूषण परघनिया मैडम से। आप सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरस्वती विहार रोहिणीपुरम स्कूल की प्राचार्य हैं, और आपका अपने जीवन का अनुभव बच्चों को के साथ बिताना और बच्चों को कुछ बनाने में गया है। तो हम मैडम से जानना चाहेंगे कि किस तरह से हॉबीज़ हमारे स्कूल लाइफ में, हमारे मन में, हमारे विचारों में एक जगह बनाती है, और किस तरह से ये हमें करियर में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। सभी को नमस्कार। हॉबीज़ हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसको जाने अनजाने कभी हम समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं। तो जैसा कि प्रश्न हुआ कि हम कभी कभी यही नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारी हॉबीज़ जो है वो क्या है, तो कई बार हम पूछते हैं उनसे आपका इंटरेस्ट क्या है। तो एक्चुअली इंटरेस्ट जो होता है वो हम खाली रहते हैं उस समय देने का रहता है, कि उस समय अगर हम कुछ कर रहे हैं वो इंटरेस्ट है, लेकिन जिस चीज़ को हम पूरा समय देकर करते हैं वो हमारा हॉबी होता है। हमारी हॉबी तभी हम कहते हैं कि हाँ मुझे गार्डनिंग का शौक़ है। क्यों? क्योंकि मैं गार्डनिंग को एक प्रॉपर समय दे रही हूँ, और उस समय को जीवन के व्यस्ततम पल से निकाल कर मुझे देना होता है। इसलिए हॉबी और इंटरेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन इंटरेस्ट को हॉबी में बदला जा सकता है। ये चीज़ हम बच्चों को समझाएं कि आप जो इंटरेस्ट है वो आपका रुचि है सिर्फ, उसको अभी रुचि में हम कैसे बदलें। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनको हम वो चीज़ें बताते जाते हैं कि ये आज आप ड्राइंग बनाना पसंद कर रहे हो, ड्राइंग आपने चार लकीरें भी खींची, तो हम उसको क्या करते हैं, बोलते हैं कि हाँ आपने बहुत सुंदर रेखा खींची है। तो धीरे धीरे वो क्या है, कॉन्फिडेंट होने लगता है, और कॉन्फिडेंट होकर के फिर उसको अपने एक अलग क्रिएटिव वर्क के रूप में वो जानने लगता है। तब वो धीरे धीरे उसको समय बढ़ाता है और वो उसकी हॉबी में बदल जाती है कि वो एक चित्रकार के रूप में अपने आप को देखने लगता है। तो वहाँ पर वो एक चित्रकार के रूप में अपनी हॉबी को समझ पाता है। ऐसे अनेक हॉबीज़ जो होंगी हर किसी की अलग अलग होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जन्मजात होती हैं और कहीं कहीं प्रदत्त होती हैं। तो हर आदमी कलाकार है, ईश्वर ने उनको भेजा है बना करके। ये समझना समय और कुछ लोगों के सानिध्य में आने से ही हो पाता है। आप अपने व्यस्ततम समय में से अपनी अभिरुचियों को या फिर अपनी हॉबीज़ को किस तरह से आप समय दे पाती हैं, और आपके
व्यवहारिक जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हमारी हॉबीज़ की या अभिरुचियों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, आप हमें दर्शकों को बताइए। देखिए, हर व्यक्ति क्या होता है, एक लक्ष्य तो निर्धारित करता है कक्षा 9 के बाद, लेकिन अभिरुचियाँ जो होती हैं उसको बचपन से ही एक कलाकार के रूप में मंच प्रदान करती हैं। और हर व्यक्ति को चाहिए, केवल एक ही काम को करते रहें तो बोर हो जाएंगे। पढ़ना ही पढ़ना है तो 6 विषय ही पढ़ाए जाएँ, क्या ज़रूरत है उसमें क्राफ्ट डालने की, क्या ज़रूरत है उसमें ड्राइंग डालने की। ड्राइंग को भी अलग से विषय देना एक खर्चीला माध्यम है। और उसके बाद बहुत सारे स्कूलों में तो इतनी सारी एक्टिविटी होती हैं जो खर्चीली होती हैं, है ना। तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि अगर उसको अपने जीवन में विभिन्न आयाम को अगर देखना हो, अपने आप को अगर उस लाइन में ले जाना हो, तो कई चीज़ों से जुड़ करके मनोरंजन ढंग से अपना वो काम कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर हॉबीज़ या अभिरुचियाँ हमारे दिलो दिमाग पर किस तरह से प्रभाव डालती है? दोस्तों, हमारे दिमाग में कहा जाता है कि 18,000 करोड़ से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी किसी भी डेटा को स्टोर करने की 1,000 पेज की बुक के बराबर होती है। और हम अपने पूरे जीवन में 11 से 14% ही अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर पाते हैं। जब हम अपनी अभिरुचियों यानी कि अपनी हॉबीज़ पे काम करते हैं, तब हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं। और जब हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है, साथ ही साथ कॉर्टिसोल का लेवल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम होता चला जाता है। नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनने से हमारे मन में क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहता है और जीवन में आने वाले चैलेंजेस को डील करने के लिए पहला विचार ये आता है कि मैं क्या सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, यानी कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। दोस्तों, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यस्त प्रोफेशन तो हमने देखा कि पुलिस विभाग था, मगर दूसरा सबसे बड़ा व्यस्त प्रोफेशन अगर देखा जाए तो वो होता है एक डॉक्टर का। डॉक्टर प्रोफेशन में आने से पहले आपको शपथ लेनी होती है कि आप ज़िंदगी भर समाज की सेवा के लिए काम करेंगे, और शायद इसीलिए एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मगर एक डॉक्टर की पर्सनल लाइफ कैसी होती है? पर्सनल लाइफ तो ऐसी होती है कि शायद ही वो अब सुकून से सो पाए, क्योंकि कब इमरजेंसी कॉल आ जाएगा, कब किसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कब हॉस्पिटल से कॉल आ जाएगा, ये एक डॉक्टर को नहीं पता होता। तो इतने तनाव भरे माहौल में घटनाओं दुर्घटनाओं को देखने के बावजूद भी एक डॉक्टर किस तरह से अपने माइंड को रिफ्रेश करता है, किस तरह से हॉबीज़ को समय दे पाता है, और उसके लिए अपनी हॉबीज़ को समय दे पाना कितना ज़रूरी और कितना चैलेंजिंग होता है, हम जानेंगे आई स्पेशलिस्ट मनीष श्रीवास्तव सर से। तो सबसे पहले सर, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अलेक्जेंडर मोगरे जी। बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है कि व्यस्ततम चिकित्सकीय जीवन के साथ ही हम अपने हॉबीज़ को, अपने जो बहुत सारे रुझान रहते हैं, हमारी इच्छाएं रहती हैं, उनको कैसे पूरा करते हुए वर्क लाइफ प्लस हॉबी बैलेंस बनाते हैं। समन्वय बहुत ज़रूरी है। आप समझते हैं कि दिन भर में हमें केवल 24 घंटे मिलते हैं, उसमें आप अपना 10 से 12 घंटा बाहर की ज़िंदगी आप मान सकते हैं कि घर से निकलते हैं प्रोफेशनल जॉब में या अपने हॉस्पिटल या अपने रूटीन क्रियाकलापों में। उसके साथ ही वीकेंड एक ऐसा शब्द आ गया है जो पिछले 10-15 सालों में युवा पीढ़ी से लेकर टीनेजर बच्चों से लेकर बुजुर्गों को भी आकर्षित करता है। हर व्यक्ति एक वीकेंड या सप्ताह अंत का इंतज़ार करता है, वो शायद इसलिए कि उसकी जो हॉबीज़ हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो उसको पूरा कर सके और अपने दोस्त यारों के साथ समय बिता सके। मेरे लिए ये सौभाग्य अपने आप ही अपने रुझान के प्रति, अपने हॉबीज़ के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक कदम रहा कि मैंने नेत्र विज्ञान लिया। इस वजह से मैं अपनी वो सब इच्छाएं, जैसे कि साहित्य के प्रति मेरा रुझान है, गीत संगीत के प्रति मेरा रुझान है, इस हॉबी को पूरा करने में सबसे बड़ा दायित्व आपके लाइफ पार्टनर का होता है। तो उसकी योगदान को हम लोग बिल्कुल भी नगण्य नहीं मानते। अगर आपका लाइफ पार्टनर भी पूरी तरह से आपको सक्षमता से
आपके हर सुख दुख में साथ देता है। तो हमारे जितनी हॉबीज हैं उसको हम बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा हो, तभी आप समय के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी सभी हॉबीज, अपने सभी शौक पूरे कर सकते हैं, खासतौर पे जो आपके सेहत पे भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सर, आपने हमें बताया कि आप गायन में रुचि लेते हैं और साथ ही साथ हमें ये जानकारी भी मिली है कि आप नेशनल लेवल के इवेंट में आप विसलिंग कर चुके हैं, अपनी विसलिंग का जादू आप फैला चुके हैं। तो सर, आज हमारे दर्शकों को आपके हम चाहेंगे कि विसलिंग के माध्यम से आप थोड़ा इंस्पायर करें, प्रेरित करें। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो सभी बच्चे बूढ़े कुछ मिनट बात करते हैं और उसके बाद सभी अपने अपने मोबाइल में लग जाते हैं। मगर ये एक बहुत ही शर्मनाक बात होती है, खासकर तब जब आपके घर पे कोई अतिथि आता है। वहीं आप ऐसे परिवेश की कल्पना कीजिए जहाँ पे घर में सभी लोग अपनी अपनी हॉबीज़ पे काम कर रहे हैं, जिनका मोबाइल पे ध्यान नहीं है, सभी लोग एक दूसरे को समय दे पाते हैं, एक दूसरे की मदद कर पाते हैं और एक दूसरे से इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित हो पाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि हमारे जीवन में हॉबीज़ का क्या महत्व है और आपकी हॉबीज़ को या फिर अभिरुचियों को लेकर आपकी क्या राय है। देखिए, जैसे आपने पहले बताया कि एक पर्सनल टेंशन और पर्सनल लेवल में टेंशन होता है, उसको दूर करने के लिए, लेकिन मैं हॉबी को उसी हिसाब से नहीं लेता हूँ। हॉबी के लेता हूँ कि आपने कोई, हमारे एक व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत पहचान है, व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, तो अपने कुछ खुशी के पल को लेने के लिए हम हॉबी को तय करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कुछ हॉबी रखा हूँ और ये हॉबी समय समय के आधार पर चेंज होते रहता है। जैसा अभी मेरे हॉबी है रीडिंग हैबिट्स है, मेरा हॉबी है गाना गाने का कला है, मेरा हॉबी है सामाजिक कार्य में अपने आप को योगदान देने के लिए। और ये हॉबी विशेष करके हम इसलिए रखे हुए हैं कि जो हमारे समय कार्य प्रणाली और कार्य का जो कार्य करते हैं उसके बाहर में अपने आप एक समय निकालते हैं और वो कार्य में अपने आप को नियोजित करके उसमें आनंदित होते हैं, उसमें खुशी मिलता है। और ये कोई पैसे के लिए हम नहीं करते हैं या अपने प्रभाव के लिए या हमें अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए नहीं करते। हमें लगता है ये चीज़ें में मेरी खुशी है और बाकी तो मेरे एक मजबूरी बोलिए या ज़रूरत है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मेरे खुद के समय को, मैं जिसमें दिलचस्प रखता हूँ, जिस चीज़ में मेरे को आनंद होता है, मैं उसी में अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ। आज मैं अपने आप में खुशी में बताऊँ, मैं इसलिए गाना नहीं गाता हूँ कि कोई मेरे स्टेज परफॉर्मेंस करना पड़ता है। मेरे मन में जो भी था, कुछ लक्ष्य था, कुछ आकांक्षाएँ थी, कुछ आशाएँ थी जो हमने नहीं कर पाए थे, शायद इस हॉबी के कारण में हम इसको अभी पूर्णता में ला रहे या पूर्ति करने में सक्षम है। किताब में पढ़ता हूँ, कई सारे किताबें पढ़ता हूँ मैं। अपार्ट फ्रॉम दी इन द इंडस्ट्रीज़ में कई कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में मोटिवेशन स्पीकर में जाता हूँ। ये पैसे ऐसे कोई कनेक्शंस नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन लगता है। हम समाज में हैं, हम चाहते हैं, एक तो एक हॉबी आपने पर्सनल, आपने पेंटिंग की, आपने खुशी लिए, दूसरा है आप ऐसे हॉबी पालन किए जिसके कारण में आप समाज में कुछ सहायक बन पाए, तो ये हमें खुशी देता है कि मेरे हॉबी ना केवल मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मदद किया, मेरे को समाज में उसको कुछ देने के लिए एक मदद किया। देखिए, वयस के समय के आधार पर, वर्ग के आधार पर, स्थान के आधार पर हॉबी में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई हॉबी सभी का एक तरफ हो जाए। कोई गाने में रखता है, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में रखता है, कोई किताब लिखने में रखता है, कोई गार्डनिंग में रखता है, कोई योगा में रखता है, किसी प्रकार होता है। बट मूलभूत उसका एक ही मुद्दा है
कि हम जो हॉबी रखते हैं उसमें हमें आनंद देना चाहिए, और हमारे सेल्फ टाइम में, हम लीजर टाइम में करते हैं, वो कोई एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई पैसन नहीं है कि जिसको हम बोलते हैं भाई जुनून टाइप का नहीं है, हम अपने लिए समय निकालते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं, और उस आनंद में दूसरे आनंदित होते हैं, उसमें उन्नति होगा, उसमें प्रगति होगा, ये तो बहुत श्रेयकर बात है। अगर घर का एक भी शख्स अपनी हॉबीज़ को फॉलो करता है और अपने प्रोफेशन में जब वो बहुत कुछ कर जाता है, बहुत आगे निकल जाता है, तो वो अपनी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा बाहर आएँ, वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आएँ और रियल वर्ल्ड में जीना सीखें, ताकि हम अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, और जब हम अपने परिवार के साथ कंस्ट्रक्टिव बातें करेंगे, मोटिवेशनल बातें करेंगे, तो रिश्तों में गहराई आएगी, मजबूती आएगी, साथ ही साथ एक खुशहाली भी आएगी। हॉबीज़ मेरे अनुसार व्यक्ति को हमेशा रचनात्मकता की ओर लेके जाते हैं। हम मोबाइल में बहुत लंबा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम पार्टीज़ में कई बार जाते हैं, वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को करके देखिए। सबसे पहले आप अपने आप को समझिए कि आपको किस चीज़ को खाली समय में करने से आनंद की प्राप्ति होती है और टेंशन फ्री आप फील करते हैं, उस चीज़ को आप करिए, और करने के बाद में आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका जीना, आपकी सोच एक बहुत ही सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। जीवन बहुत अमूल्य है, और यदि हम इस जीवन में कुछ पॉजिटिव नहीं कर सके तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो हॉबीज़ उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमको डेवलप करती है। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो भी वो हॉबी अपना रहे हैं, रख रहे हैं, वो हॉबी के बारे में पहले तो सोच लें कि वो उसको कहाँ ले जा रहे हैं, क्या वो उसके करियर को आगे बढ़ाने में वो मददगार साबित हो रहे हैं, अथवा वो अपने करियर को बनाने में वो बाधा पैदा कर रहे हैं, ये सोचना बेहद ज़रूरी है। इसलिए शौक़ ऐसे रखें जिससे कि आपको अपना काम करने में और अपने प्रगति के पथ में क्रमशः निरंतर आगे बढ़ने में सहायक हो सके। आज के बच्चों को भी समझनी पड़ेगी कि अगर मुझे अपनी हॉबी का कोई भी एक पल आपको एक लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है तो उसको वो पर्याप्त समय देना पड़ेगा। इसलिए एक नियमता अनुशासन के साथ चलते हुए समय सारणी बनाएं। उस समय सारणी में कहाँ कहाँ मैं अपनी अभिरुचियों को समय दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, वो फिर प्रॉपर हम अपने को खुद को गाइड करें, खुद के मार्गदर्शक बने, तब हम ज़्यादा अच्छे से अपनी उन चीज़ों को दूसरों के सामने रख पाएंगे। देखिए, पहला बात हुआ कि हॉबी में एक तो आप जिस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं वही चीज़ आप करते हैं, तो ये आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको एक प्लेजर देता है, नंबर वन। नंबर टू, हम अपने जीवन सभी के लिए करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हमारे भी ये फर्ज बनता है हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, खुशी करने के क्या प्रयास करते हैं। तो आप कुछ वक्त अपने जीवन से निकालते हैं और आपकी खुशी के लिए कार्य करते हैं, नंबर टू रहा। थर्ड हो गया, ये टाइमलेस है, ये कोई समय अवधि में नहीं होगा कि ये 4 से 6 बजे मेरा हॉबी होगा, ये सुबह 9 से 11 होगा, जब तक जहाँ आपको एक समय मिलता उस समय को आप यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि हमारी अभिरुचियाँ यानी कि हॉबी हमारे जीवन में हर पड़ाव में किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। चाहे आप स्कूल लाइफ में हो तो ये आपके एक अच्छे करियर निर्माण के लिए ज़रूरी है, अगर आप पुलिस विभाग में हो तो ये आपके पारिवारिक रिश्तों के लिए ज़रूरी है, आपको क्राइम से बचाने के लिए, स्ट्रेस से बचाए रखने के लिए ज़रूरी है। हेल्थ सेक्टर में हमने जाना कि अगर आप हॉबीज़ अच्छी रखते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ किस तरह से अच्छी रहती है। साथ ही साथ कॉरपोरेट सेक्टर में हमने ये जाना कि अगर आप लगातार अपनी हॉबीज़ पे काम करते रहते हैं तो आप हर रोज़ अपनी नई प्रोडक्टिविटी बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।